हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग द रिशु अनिशु ब्लॉग्स। नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अपने घरों में बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे और अच्छे ही रहिए। और फ्रेंड्स, मॉर्निंग में रिवांशी को उठा के स्कूल भेज के घर आके सारा काम मैं कर चुकी हूँ। आती मैं मीन्स किचन में थोड़ा सा काम किया, उसके बाद बच्चों का खाना बनाने के लिए रख दिया था। फिर मैंने जल्द सफाई करना स्टार्ट करी है, इसलिए मैंने आज मॉर्निंग में उठ के ब्लॉगिंग स्टार्ट नहीं करी है, इसलिए लेट स्टार्ट करी है, क्योंकि सुबह मैं मॉर्निंग में लेट उठी थी इसलिए। तो चलो जल्द से काम करती हूँ। टाइम हो गया है 3 और हम सबने डिनर लंच सॉरी लंच करके रेडी हो गए हैं। रिपांशी आ गई है स्कूल से, वो भी नहा धो चुकी है और निशु भी यस नहा धो के रेडी है। क्या हो गया? इन बच्चों का मैंने शाम का भी खाना बना लिया है, लंच वंच कर चुके हैं हम लोग। मैं बस अभी नहा के निकली थी और क्या कहते हैं, बच्चे तो पहले नहा के नहा चुके हैं, बस हो रही निशु। निशु हेलो कर दो। निशु बहुत बिजी है मम पीने में, है ना? मोटू भैया ये ला, हमारा छोटू ये ना, गंदा बच्चा डॉली भैया ये ला, बहुत परेशान करके वो नलायक हमारी ये री बड़ी वाली लड़ाकी जो पूरे दिन लड़ती रहती है, है ना निशु? दीदी परेशान करती है ना हमको, बहुत परेशान करती है ना। मैं भी देखती हूँ। तो बस फ्रेंड्स, आप थोड़ी देर में सोच रहे रिपांशु को पढ़ाऊँ, और पहले इनके कंगी वंगी करूँ, उसके बाद फिर थोड़ी देर में पढ़ाने के लिए बिठाती हूँ, क्योंकि अब छुट्टियाँ भी होने वाली है। निशु गुंडी आ गई है फोन पे, ये कैमरा पकड़ने। हाय करो पहले सबको, हाय हाय कर दो। जाते तो चलो कैमरा जा रहे निशु के हाँ, फिर मिलती हूँ मैं आपसे। तो अभी है फ्रेंड्स पढ़ाई कर रहे हैं बच्चे, रिपांशी अपना काम कर रही है प्रैक्टिस, निशु अपनी पढ़ाई कर रही है, रोमियो भैया अपना सो रहे हैं, डॉली स्कूबा भी सो रहे हैं। निशा लिखो और टाइम हो गया है 5:15। आप ये थोड़ा सा कर ले काम, स्कूल में कॉपी में भी काम है, उसके बाद फिर दूध वगैरह गर्म करके देती हूँ इन्हें पीने के लिए, फिर खाने की तैयारी करते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरे बच्चे टाइम हो गया है 1, टाइम हो गया है 1 और तू भी खाना खा रहा है, डॉली खाना खा रहा है, वो मैंने खाना शायद थोड़ा सा खाया है, बाकी इसने छोड़ दिया है अपना, देख सकते हो। और मैं दोबारा आ गई हूँ किचन में। क्या कर रहा है? बोला कि अमूल लगा रहा है। आ गई हूँ किचन में आटा गूंदने के लिए, क्योंकि आटा नहीं गूंदा मैंने, सब्जी बन चुकी है मेरी। बस कल से आटा गूंदती हूँ और फिर पांचे से पूछती हूँ कब रोटी खानी है, फिर मैं रोटी बनाती हूँ बच्चों को। और आज बहुत ज़्यादा गर्मी है, थोड़ी देर पहले मैं आई थी फ्रेंड्स किचन में पढ़ाने के बाद, जब चाय बनाने लाई थी
तो तब मैंने थोड़ा सा बर्तन थे धो लिए थे, आपके बच्चे ने मैगी खाई थी वो बर्तन रह गए हैं, बर्तन धोए थे मैंने, माइक्रोवेव के ऊपर जितना भी गंदा था वो सारा क्लीन किया, कुछ चीटी हो रही थी, गैस वैस सारा सामान हटा के मैंने ढंग से प्रॉपर क्लीन किया, वो करके फ्री हुई। देन फिर मैंने जल्दी से वो फ्रूट सब्जी बन गई थी मेरी, तो उसके बाद फिर से फ्री हो के फिर मैंने सोचा चल अब आटा, फिर अंदर जाके थोड़ी देर हमने टीवी वगैरह देखा, तो निशू सो गई है अभी, तो अब निशू उठती है, तब तक मैं सोच रही हूँ उसके उठते सोते सोते ही मैं आटा गूंथ के भी रखती हूँ, जिससे कि थोड़ी देर में फिर बच्चों को रोटी बनाती हूँ, फिर योगी पांची को सोने का टाइम हो जाएगा तो उसे फिर सुनाना है जो पहले आई थी किचन में काम करने के लिए। माई गॉड इतनी स्वेटिंग और इतना फ्रेंच मुझे वैसे खुशी नहीं है, इतनी गर्मी लग रही थी मैं बता नहीं सकती, कोई है क्या करे अब गर्मी है इतनी, और कल शाम को इतना रात को इतना अच्छा मौसम हो गया था, बच्चे तो रात को सो गए थे तो मैं मन कर गैलरी में हम लोग बहुत देर तो ऊपर तक घूमते रहे, आराम से बैठे रहे थे, कोई नहीं हम दोनों तो मूवी देख रहे थे रात को क्या करें हम नींद आती नहीं, और मेरे को तो इतनी गंदी आदत है फ्रेंड शादी के बाद से कि मैं लेट सोने की आदत हो रखी है, सब कहेंगे यार तुझे नींद नहीं आती, मैं कहती हूँ यार मैं नींद नहीं आती, मेरी रूटीन ही ऐसी बन चुकी है, तो मेरी रूटीन ऐसी बन चुकी है मैं क्या करूँ, बस वही है आटा गूंदने लग गई हूँ मैं, आटा जल्दी से करके फ्री हो जाऊँ, उसके बाद मेरे पास भी ज़्यादा ऐसा कोई काम नहीं होगा, फिर ये होगा थोड़ा सा फ्री हो गया थोड़ी एक दो रील्स वगैरह देखती हूँ, एक दो रील्स बनाती हूँ, फिर रोटी बनाती हूँ बच्चों को रोटी खिला के, फिर निशु तो सोई ही नहीं रहा, रात को लेट सोएगी, मुझे पाँच छः को सुला दूँगी, अब तीन चार दिन रह गए हैं और स्कूल फिर छुट्टियाँ, देखते हैं फिर क्या होता है छुट्टियों में प्लान, और नेक्स्ट मंथ निशु का बर्थडे भी आने वाले जून में, अभी सोच रही हूँ थोड़ा सा आटा गूंथ के, ओहो आटा गूंथ के थोड़ा सा टाइम ये थोड़ा सा ऊपर पॉटी वटी कराएं, तो सीजर से छोटू के बाल सोच रही हूँ थोड़े से कट कर लूँ, फिर कल इसे नहला दूँ सुबह, और कल फिर मशीन से, अब मैं सोच रही हूँ पांच की छुट्टियाँ पड़े तभी कट करूं तो बेटर है, आज बोला था वेदर फोरकास्टिंग में कि 16th को बारिश आएगी बट कुछ भी नहीं हुआ आज तो अगर बारिश आए तो मौसम थोड़ा सा बेटर हो जाता, और कल मैंने जैसे बताया था कि रात को वेट करना पड़ेगा पानी, छोटू मारूंगी मैं कहीं नहीं करना कि पानी, तो रात को फिर आया था 1:30 पानी, तो रात को मैं पानी हम भर के उसके बाद ही फिर सोई हूँ 2:30-3 बजे, बहुत परेशान है लाइफ से, बस आटा भी थोड़ा सा रह गया गूंदने के लिए, वो भी बाइंड अप का हो जाए काम, और बताओ फ्रेंड्स कैसा चल रही है आप लोगों की लाइफ बताइए, आटा भी मुखिया मारने फ्रिज साफ़ करना रह गया मेरा, मैं डेली सोचती हूँ कि आज फ्रिज साफ़ करूँगी बट शायद आता है उसके बर्तन हो रखे हैं धोने वाले, अब कल कोशिश करूँगी पूरी कि कल फ्रिज पे ही करूँगी काम मेन, कल फ्रिज साफ करती हूँ आराम से, बैठ गया मेरे पास पटाखा पचा फुटर पर भाग गया अंदर रूम में, बहुत डरते हैं मेरे वाले तो फ्रेंड्स, बहुत डरते हैं सर, डॉलर है जो नहीं डरता पटाखों से, बट स्कूबी और बैक्स्टर की तो जान निकल, बैक्स्टर की तो बिल्कुल ही जान निकल जाती है, स्कूबी की इतनी नहीं, उसे यह कि अकेला नहीं होना चाहिए बस, अगर मैं साथ हूँ तो मैं डरेगा बट ऐसा ही नहीं कि भोंकलाएगा, बैक्स्टर तो भाई
बिल्कुल ही भुखना था। तो दिवाली में हमें पता है उसको संभालना कितना मुश्किल होता है, घर वाले बेचारे परेशान हो जाते हैं, वो इतना भौंकला जाता है, देखता नहीं है कहाँ हूँ कहाँ नहीं हूँ, बहुत डरता है वो। रोमियो को तो पता नहीं, लास्ट ईयर था घर पे बट इतना नहीं डरा था ये, मेरी गोदी में था बट इस बार पता तो बच्चा था, पता चलेगा इस बार। आटा भी हो गया फ्रेंड्स का सब, हल्का सा घी लगा के कट लूँ। इनका भी मन नहीं करता फ्रेंड्स गर्मी में, इसको भी खाना था डॉलर का खाना खाने का, छोटू को तो ड्रामे नहीं खत्म होते नखरे, उसको ये लटर पटर खिला दो, मेरा वाला खाना मत खिलाओ, बड़ी गंदी आता तो ये इसकी बिगड़ गया ये लड़का बहुत, इसको चाहिए मम्मा से डंडे से पिटाई, है ना रोमियो, दंदे से पिटाई है तेरी, अब तो देख मम्मा मारने वाली तेरे को। तो बस फ्रेंड्स आटा भी हो गया मेरा फाइनली, तो बस ढक देती हूँ, आटा बन गया। तो ढक दिया फ्रेंड्स प्लेट से मैंने आटा भी, और अब चलती हूँ रूम में हाथ धो लूँ, फिर चलती हूँ रूम में, और उसके बाद देखती हूँ मिशो सोरी से 5-6 से पूछती हूँ रोटी बना दूँ तो ठीक है, नहीं तो फिर इनको पहले छत पर भेज दूँ सुसु पॉटी करने के लिए, बाकी फिर काम करती हूँ। तो चलो रोटी बनाऊँगी, इकट्ठी बनाऊँगी रात को, आप चलो मैं मिलती हूँ फिर आपको कल आराम से, तब तक चले बाय बाय, लव यू ऑल एंड प्लीज़ टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल रिशु एंड निशु ब्लॉग्स एंड ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम रिशु अंडरस्कोर निशु अंडरस्कोर ब्लॉग्स। तो चलो बाय बाय फ्रेंड्स, लव यू, बाय।